वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, अब से आप लोग क्राफ्ट मटेरियल घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप लोगों के जो मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि आप जो यहाँ पर सिखाते हैं हम वैसा सेम बना नहीं पाते क्योंकि हमें मटेरियल नहीं मिल पाता। बड़ी सिटीज में फिर भी आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन छोटी सिटीज में या गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अब से ये मटेरियल की जो सुविधा है हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी के बारे में निश्चिंत रहिए, आपका जो ऑनलाइन मार्केट है या फिर लोकल मार्केट है वहाँ से आप रेट्स वगैरह भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप अब से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप जैसा यहाँ पर मुझे बनाते हुए देखते हैं सेम वैसा बना पाएंगे, जो जो मटेरियल मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किया, और बहुत सा मटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो में हम ये कपल राखी सेट बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले जेंट्स राखी हम बनाएंगे। येलो कलर का ये एंकर थ्रेड मैंने लिया है 15 इंचेस, जो है डबल की लंबाई, और इसे दो हिस्सों में हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। और ये जो रिंग है इसके साथ इस तरह से हमें थ्रेड को अटैच करना है। आप सिंपल नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी इजी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो इसी तरह से जो है थ्रेड को डबल करके हमें रिंग के दोनों साइड अटैच करना है। जो दोनों थ्रेड है वो एक दूसरे के सामने रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो है इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद ये रेड येलो कलर के पेपर फ्लावर्स हैं और वाइट कलर के पोलेंस हैं। तो पोलेंस का जो है हमें इस तरह से टेढ़ा लगाना है, जो थ्रेड है उसके साइड से हमें लगाना है, सेंटर में से नहीं लगाना है। इस तरह से हम पोलेंस को पेस्ट करेंगे और यहाँ बीच में भी जो है थोड़ा ग्लू डाल देंगे ताकि जो पोलेंस है वो निकलेंगे नहीं। पोलेंस की डंडी कट करने पर जो है इसके थ्रेड्स और ये जो पोलेंस है वो निकलने लगते हैं। उसके बाद ये रेड और येलो कलर का पेपर फ्लावर हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे एक थ्रेड से लेके दूसरे थ्रेड तक। उसके बाद जो है ये जो थ्रेड्स हैं इनमें हमें पर्ल्स डालने हैं। ग्लू के जो थ्रेड है उन्हें हम निकाल देंगे। पर्ल्स डालने के लिए इस थ्रेड के साथ हम एक पतला थ्रेड अटैच करेंगे ताकि पर्ल्स हम आसानी से डाल सकें। इस तरह से जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियोस में करते हैं, ये 8 mm के ऑफ वाइट कलर के 3 पर्ल्स हमें यहाँ पर डालने हैं एक साइड में। आप चाहे तो 2 6 mm के भी इसके बाद ऐड कर सकते हैं इसे थोड़ी सी लेंथ देने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम नोट लगा देंगे और दूसरी साइड भी जो है इसी तरह से 3 पर्ल्स हम डाल लेंगे। सिंपल सो छोटी सी प्यारी सी ये राखी है। इसी तरह की आप किड राखी भी बना सकते हैं, कपल के लिए बना रहे जिनके बच्चे हो तो इसी तरह से आप बच्चे की भी राखी सेम कर सकते हैं। उसके बाद इसका लूमा हम बनाएंगे। ये स्क्वायर हमें लेना है, ये एक रेडियल अटकन है, ये हमें लेना है गोल्डन कलर का स्क्वायर है बेंगल, और इसे जो है यहाँ बीच में स्क्वायर के बीच में हमें अटैच करना है जो रेडियल अटकन है हमारा। दो हिस्सों में इसके थ्रेड्स को डिवाइड करके और इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। बहुत पुल करके नहीं लेना है। तो यहाँ इस तरह से बीच में लगाने के बाद इसके थ्रेड्स को हम ग्लू लगा कर सिक्योर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद ये गोल्डन कलर का टेसल है, ये हमें लगा देना है। जिस तरह से हमने रिंग में थ्रेड्स को अटैच किया था उसी तरह से इसे भी सिंपली इसी तरह से हम लटका सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से लटकन और टेसल को हमें लटकाना है इसके नीचे। उसके बाद ये गोल्डन कलर का फ्लावर है, इसे जो है यहाँ पर हमें लगाना है कि इसका थ्रेड और कॉर्नर दोनों कवर हो जाएं, जो स्क्वायर बेंगल है उसका कॉर्नर और ये जो थ्रेड है लटकन का वो कवर होंगे इसके आधी दूरी तक। इस तरह से ये फ्लावर हमारा आएगा, इसे हम अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे। उसके बाद जो हमने जेंट्स राखी के लिए रेड और येलो पेपर फ्लावर्स यूज़ किए थे, वाइट कलर के पोलेंस यूज़ किए थे, वही यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ताकि ये जो है सेट लगे। कपल राखी में यही होता है, आपको मटेरियल 2-3 सेम रखने होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखना होता है ताकि वो एक सेट लगे। तो इस तरह से जो है ग्लू लगा कर और ये पेपर फ्लावर्स को हम चिपका देंगे। रेड कलर के फ्लावर के नीचे इस तरह से पोलन हमें चिपकाना है, तो फ्लावर की पेटल को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर नीचे में हम थोड़ा सा ग्लू भर देंगे
और उसके बाद जो हमारा वाइट कलर का पोलन है इसे भर देंगे। पोलन के बीच में भी थोड़ा ग्लू भरिए ताकि ये निकले ना, एक दूसरे से अच्छे से चिपके रहें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक पोलन हम लगाएंगे, तीन पोलन हमने कट किए हैं, यहाँ पर एक पोलन लगाएंगे और यहाँ पर फ्लास्क को थोड़ा सा हम ऊपर उठाकर यहाँ पर ग्लू भरेंगे और यहाँ पर एक पोलन लगाएंगे। तो इस तरह से तीन पोलन हमने लगाए हैं, दो पेपर फ्लावर और एक गोल्डन कलर का फ्लावर। उसके बाद इसके साथ हम लुम्बा बनाने के लिए थ्रेड अटैच करेंगे, तो वही येलो कलर का थ्रेड जो हमने जेंट्स राखी के लिए यूज़ किया था। इस तरह से इसे डबल करेंगे और यहाँ से जस्ट जहाँ हमने लटकन लगाई है जस्ट इसके ऊपर से इसके सेंटर में हमें इसे अटैच करना है। एक बार अटैच करने के लिए आप इसे साइड में कर सकते हैं, फिर इधर सेंटर में खिसका दीजिए इस तरह से। यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगा उसे हम कट कर लेंगे और ये जो थ्रेड है इसे ग्लू से सिक्योर कर देंगे इस तरह से, जो है ग्लू लगाकर, और पोलन जो है थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे और थ्रेड को इस तरह से हम सिक्योर कर देंगे। पीछे से भी थोड़ा सा ग्लू डालकर ताकि स्ट्रोंग रहे, क्योंकि जो लुम्बा का थ्रेड होता है उसे ही सारा वेट, इसका वजन लेना होता है लुम्बा का। पतला थ्रेड हम इसमें अटैच करेंगे और यहाँ पर ऑफ वाइट कलर के चार हम 8 mm के पर्ल्स डाल देंगे, जिस तरह से हमने जेंट्स राखी में तीन डाले थे, यहाँ पर चार पर्ल्स हम डाल रहे हैं। और इसे जो है इस तरह से हम नोट लगाकर और सिक्योर कर देंगे ताकि पर्ल्स जो है हमारे निकलेंगे नहीं, अपनी जगह से खिसकेंगे नहीं। तो इस तरह से जो है लुम्बा भी हमारा रेडी है, सिंपल और बहुत सुंदर सा पैटर्न है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।